Today we are making video on metals. Good morning everyone. Today we are making video on metals and non-metals, class 8. Few uses of metals and non-metals were left and we have to discuss the questions which are given in the exercise. Ganeev has done a lot of questions. Let's see. To start with Ganeev, we were on sample problem number 1. Can you please read sample problem number 1? Difference in chemical properties of metals and non-metals. No, not from here. That we have already done. Difference between metal and non-metal. You have to read sample problem number 1. Okay. An element reacts with an oxygen to form an oxide. An aqueous solution of this oxide turns red litmus paper blue. Is the element a metal or non-metal? Give reason for your answer. Okay. Question we have is there is an element which reacts with oxygen to form an oxide. ठीक है, कोई भी element है oxygen के साथ मिलके oxide बना रहा है. अब ये metal भी हो सकता है, non metal भी हो सकता है, क्योंकि metal you know metal oxide बनाते हैं और non metal you know non metallic oxide बनाते हैं. Now it is saying an aqueous solution of this oxide turns red litmus paper blue. Red litmus paper को blue कौन करता है, acidic oxide या basic oxide? Basic oxide because metal oxides are basic in nature और वो ही red litmus paper को blue करते हैं. तो इसने पहला question तो वो पूछा था कि element M जो है मतलब metal है या non metal है, तो मेरा answer है ये metal है. अब ये MO बनाएगा, MO2 बनाएगा, it depends on its valency. ठीक है, तो एक answer तो इन्होंने पूछा था metal है या non metal, तो ये मैंने metal बता दिया, क्योंकि ये जो metal oxide बना है इस metal oxide का nature क्या होगा, basic होगा. ठीक है, मैं चाहूंगा जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप साथ साथ अपनी बुक में नोट करते रहिए. ठीक है, थोड़ा सा आपको स्पीड अपनी तेज करनी पड़ेगी. तो M plus O2 gives MO, ये हमारी इक्वेशन थी, और बनाएगा क्या ये, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, अब जरा इसका आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर यही दिया या नहीं. देखिए, वी नो दैट बेसिक सब्सटेंसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. गनीव क्या आप पढ़ सकते हैं ये आंसर? वी नो दैट बेसिक सब्सटेंसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. फिर व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट मींस दैट द ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. Now, basic oxides are formed by metal elements. So the given element is a metal. तो आपने भी गनीव यही गैस किया कि ये metal है, या बुक में भी यही लिखा हुआ है metal है, क्योंकि metal ही you know metal oxides बनाता है. ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप sample problem number 2 read करें. Why is iron not deposited over a copper plate when the copper plate is dipped in iron sulfate solution? Okay. Copper is less reactive. नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन आपको. कह रहा है कि आयरन डिपॉजिट नहीं होता ओवर अ कॉपर प्लेट, जब कॉपर प्लेट को डिप करते हैं आयरन सॉल्यूशन. देखो, कॉपर का फॉर्मूला है Cu, मतलब कॉपर का सिंबल है Cu, इसकी रिएक्शन करानी है आयरन सल्फेट के साथ, तो मैं FeSO4 ले रहा हूँ एक्वस में. अब क्वेश्चन आता है ये आयरन सल्फेट बना कैसे है. यहाँ पर आयरन ये फेरस है, फेरस में Fe की वैलेंसी है 2-, लिखते रहिए साथ साथ, और सल्फेट की भी है, रेडिकल है 2-, ये कैंसल हुआ तो आंसर क्या आ गया, FeSO4 आ गया. ठीक है, इस तरीके से बना है. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके ऊपर आ रहा है, फीके से पकाता है क्यों. ठीक है, कॉपर तो काफी नीचे आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है रिएक्टिविटीज का, याद है आपको. तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है आयरन सल्फेट से, तो ये इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा, देखिए, कॉपर लेस रिएक्टिव आयरन से, तो जो कॉपर है इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म फ्री आयरन मेटल. कोई भी आयरन मेटल नहीं फॉर्म होता, इट इज नॉट डिपॉजिटेड ओवर, सो इट इज नॉट डिपॉजिटेड ओवर कॉपर सल्फेट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है पीयूष, ओह पीयूष कह रहा हूँ, सॉरी गनीव. ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप थर्ड वाला क्वेश्चन रीड करें. कंसीडर द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन इज गिव्स iron sulfate solution plus copper.
दूसरी भी पढ़ लीजिए। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस Find out which is the most reactive metal and which is the least reactive metal out of copper, iron and zinc. वैसे तो आयरन, कॉपर और जिंक में से गनीव कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है यू नो और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से भी बता सकता हूँ, पर क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इन्हें सिम्बॉलिक टर्म में लिख लेता हूँ। कॉपर सल्फेट आप सभी को पता क्या होगा, CuSO4, ठीक है, और प्लस आयरन है, आयरन होगा Fe। अब चेक करो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, क्यों इस कॉपर, तो आयरन ऊपर है मतलब ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट। अभी मैंने फेरस सल्फेट का आपको बताया था FeSO4 होता है, ठीक है, प्लस में क्या होगा Cu होगा। ऐसे दूसरी रिएक्शन है आयरन सल्फेट प्लस जिंक, आयरन सल्फेट है FeSO4 प्लस जिंक क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। अगर आपके माइंड में जरा सा भी डाउट आ रहा है गनीव कि ये जिंक सल्फेट कैसे बन रहा है, तो जिंक का वैलेंसी है 2+, सल्फेट का है 2-, ये कैंसिल होगा ऐसे, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा जो कि सॉलिड में बन जाएगा। तो नोट करते रहिए साथ साथ, आप ध्यान से देखो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तभी ये डिस्प्लेस कर पाया था कॉपर सल्फेट में से कॉपर, तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, पहली रिएक्शन से मुझे पता लग रहा है आयरन कॉपर से बड़ा है, इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। साथ साथ लिखते रहिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही FeSO4 प्लस Zn क्या है, इसका मतलब है जिंक जो है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। अब इसने बोला था ये दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव जो है वीकर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, कह रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, जिंक, कौन हो गया जिंक, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया इनमें से, कॉपर, ठीक है, और आयरन जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है बीच में है, ठीक है, आयरन इज लिख लीजिए मॉडरेटली रिएक्टिव। तो अगर आपको इन्हें लगाना भी पड़े ना गनीव किसके हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और उसके बाद कॉपर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं चाहूंगा एक बार जो बुक में आंसर दिया वो भी आप रीड कर लें। In the first reaction, iron metal displaces copper metal from copper sulfate solution. Therefore, iron is more reactive than copper. In the second reaction, zinc replaces iron from iron sulfate solution. So, zinc is more reactive than iron. Now, since zinc is more reactive than iron and iron is more reactive than copper, therefore, in this case, zinc is the most reactive metal while copper is the least reactive metal. Okay, अब मैं चाहूंगा आप sample problem number 4th पढ़ें। Salini took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? Write down word equations of all the reactions taking place in the process. Okay, मैं एक बार आपको question समझा देता हूँ। सलोनी शी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, चारकोल होता क्या, कार्बन का फॉर्म होता है, ठीक है, एंड शी कलेक्टेड द गैस, तो पक्का देखो C+O2 क्या बनाएगा भाई, सिंपल एज दैट, CO2 लिख लीजिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है आपको पता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है CO2 ये जो गैस बन रही है उसने वो गैस कलेक्ट की है, इसका नेचर क्या है, क्योंकि ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या तो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है या तो एसिडिक होते हैं या तो वो न्यूट्रल होते हैं। तो चलो चेक करते हैं, अगर ये CO2 में हम वाटर ऐड करते हैं, CO2 गैस के अंदर
वाटर या लिक्विड स्टेट में आपको ऐड करना है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है, राइट? ओके, ये बनता कैसे? यहाँ पर H का वैलेंसी है 1+ और यू नो कार्बोनेट आयन CO3 इसका वैलेंसी है 2-, साथ साथ लिखते रहिए प्लीज। तो वहां से ये बना है H2CO3 बना है, ठीक है। और ये ब्लू लिटमस पेपर को H2CO3 क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो इसका मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने नेचर भी पूछा था, ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन जो CO2 गैस का है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि CO2 का नेचर कैसा है? एसिडिक का नेचर में, राइट? ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो क्लास ये हमारे सैंपल प्रॉब्लम थी 4 जो यू नो हमने डिस्कस की। अब इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के यूजेस की। देखिए मेटल्स यूज किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, आपको पता ही है, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। मेटल यूज किए जाते हैं नेल्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ऑफिसेस, ऑफिस फर्नीचर, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन, सैटेलाइट्स, हर जगह ही मेटल का यूज है, हर जगह ही मशीन का यूज है, और अधिकतर मशीनरी मेटल से मिलकर ही बनी होती है। कई जो इंपॉर्टेंट यूजेस है मेटल के, देखिए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल, ये कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। इसके अलावा वाटर बॉयलर्स में भी यूज किए जाते हैं जो फैक्ट्रीज में यूज होता है। कॉपर मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आर्मेचर और डायनामोज, मतलब इसका मतलब होता है आर्मेचर जनरेटर के, हाँ जनरेटर में भी यूज होता है, डायनामो मतलब जनरेटर, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, थिक वायर्स एंड ओवर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्स। अगर आपसे दो स्ट्रैटेजिक मेटल्स के नाम पूछे जाए ना, दो स्ट्रैटेजिक, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मेटल होते हैं जो वॉर टाइम में किसी भी कंट्री इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आयरन और एल्यूमिनियम ही आते हैं। तो एक ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है मेटल नॉन मेटल में, दो स्ट्रैटेजिक मेटल्स के नाम बताइए, तो दो स्ट्रैटेजिक, यस, आयरन और एल्यूमिनियम, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास, हम इसके नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एक सेकेंड, ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल्स और किस लिए। एल्यूमिनियम फॉइल्स, कई बार आपने खाना पैक किया होगा, अपना खाना आपका गर्म रहे तो एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो फॉइल पैकेजिंग, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स और बहुत सारे और मटेरियल्स में भी मेटल्स काम आते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपको पता है एरोप्लेन की बॉडीज को लाइट बनाया जाता है ताकि वो इजिली लिफ्ट अप कर सके, वेट को लिफ्ट करना है ना, तो इसी वजह से एरोप्लेन बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। आयरन मेटल स्टील की फॉर्म में, स्टील एक अलॉय है आयरन का और कार्बन का, उससे हम नेल्स बनाते हैं, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पाइप्स, रेलिंग्स, गैस सिलेंडर्स, स्टोव्स, वाटर टैंक्स, ऑफिस फर्नीचर, इंडस्ट्रियल टूल, मशीन्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार्स, हाउसेस, ट्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये सब बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जिंक की, मैंने पहले भी आपको बताया जिंक जो है यूज किया जाता है गैल्वनाइजेशन के लिए, गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट। गैल्वनाइजिंग आयरन का मतलब क्या है? एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर आ जाती है, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर आ जाती है, ठीक है, ताकि उस पर रस्ट ना लग सके, जंग लगना आपको पता ही है, उससे बचाव के लिए गैल्वनाइजेशन आयरन आर्टिकल्स का किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड मेटल्स ज्वेलरी बनाने में काम में आते हैं। मर्करी मेटल थर्मामीटर्स बनाने में काम में आता है। हमारी बॉडी के अंदर भी यू नो आयरन प्रेजेंट होता है पिगमेंट की फॉर्म में, RBCs में, जिसे हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, राइट? वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है।
लंग्स से सारे टिश्यूज में, जो भी बॉडी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट है, और अगर डेफिशिएंसी होगी आयरन की बॉडी के अंदर, तो कम हीमोग्लोबिन बनेगा हमारे ब्लड में, और जितना कम होगा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, उससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी और बॉडी में टायर्डनेस और वीकनेस होगी। थोड़ा सा काम करके भी आप टायर्ड फील करेंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराइए, राइट? अब इसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स के यूजेस के। जितने भी लिविंग थिंग्स आप अपने अराउंड देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दीज आर मेड अप ऑफ मेनली कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स। कौन कौन से नॉन मेटल आते हैं इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स भी हमारी डेली टू डे लाइफ में यूज होते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज होते हैं। कई जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कॉमन नॉन मेटल्स के, वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन। वो यूजेस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल जो है काफी एसेंशियल है हमारी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल यूज किया जाता है बर्निंग, मतलब कंबशन के प्रोसेस के दौरान, फ्यूल्स एज अ फ्यूल्स इन होम्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी आपको पता है एक नॉन मेटल है जो कि यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। फर्टिलाइजर क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब कि ग्रोथ होगा प्लांट्स का सॉइल के अंदर। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होने की वजह से यूज की जाती है फूड पैकेजिंग में इंस्टेड ऑफ एयर, ताकि फूड जो है हमारा फ्रेश रहे। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो यूज किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन पर्पसेस के अंदर। क्लोरीन की एबिलिटी है कि वो जर्म्स को किल कर देता है, इसी वजह से क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को जर्म फ्री बनाता है, ठीक है? अच्छा आयोडीन ये एक लस्ट्रस नॉन मेटल है और पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाता है टिंक्चर आयोडीन का, जो कट्स या वूंड्स पे लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। सल्फर और फास्फोरस ऐसे नॉन मेटल हैं जो फायरवर्क में यूज किए जाते हैं। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो रबड़ के वल्कनाइजेशन में, रबड़ को हार्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, और जो कार्बन की फॉर्म्स हैं एज अ फ्यूल वो होती हैं चारकोल, कोक एंड कोल, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके कोक ये पीने वाली कोक नहीं है, ये कार्बन का फॉर्म है कोक, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना, ये पीने वाली कोक मत समझना इसे। अब आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं, जरा देखते हैं उनमें से कितने सही हैं। मैं चाहूंगा यहाँ से आप वन बाय वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ें। नेम द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, आपको एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो। इसका आंसर आपने लिखा नहीं है तो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, सॉरी, इसके एग्जांपल है सिलिकन और जर्मेनियम और बोरॉन, बोरॉन। लिख लीजिए, ठीक है? बोरॉन अगर इसके एग्जांपल आपसे पूछे जाए ना, बोरॉन, सिलिकन, ये याद रख सकते हैं आप, और जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, और अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। अच्छा फास्फोरस तो मुझे सही नहीं लग रहा, आप सोडियम के साथ यहाँ पोटेशियम लिख सकते हैं। पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सी पार्ट। एक मेटल बताना है और एक नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट पर हो, रूम टेम्परेचर पे। मेटल में तो आ जाएगा मरकरी, ठीक है? मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है HG। हाँ, मरक्यूरी ये। और अभी मैंने बताया ना आयोडीन, पर वो तो लस्ट्रस है नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल में मेरे ख्याल से ब्रोमीन होता है, राइट?
हाँ इसे लिखते ब्रोमाइन है, प्रोनाउंस ब्रोमीन करते हैं। ओके नेक्स्ट डी पार्ट। नाइट्रोजन गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी बैड आंसर। नहीं वो मैंने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो गैस है भाई। हाँ, वो गैस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर नाइट्रोजन। देखो कॉपर जो है वो मेटल होता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर और कॉपर ये गुड कंडक्टर है, पर यहाँ हमसे पूछा क्या गया है कि एक ऐसा नॉन मेटल हमें बताना है जो यू नो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो नॉन मेटल में तो काफी हैं, लेकिन अधिकतर गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का एलॉय है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे एलोट्रॉपी जो। हाँ, अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अभी आप इतना याद रखना ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं, कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ई पार्ट का आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैग्नीशियम एक मेटल है, डाइल्यूट एसिड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट मैंने ले लिया, इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 एक्वस में बनेगा, प्लीज लिखते रहिए साथ साथ। और H2 गैशियस, हाइड्रोजन है इसका आंसर। आपने नाइट्रोजन लिखा था, पर इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूट होगी। नीचे रिएक्शन जो मैंने लिखी है वो भी आप लिखिए प्लीज साथ साथ, रिएक्शन वो भी लिखिए और अगला क्वेश्चन भी पढ़िए। एफ पार्ट प्लीज पहले पढ़ लीजिए साथ साथ चलिए। ओके, गैल्वनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो ये जिंक की आ रही है। बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट जी पार्ट। फर्टिलाइजर यूज करने में नाइट्रोजन, ये भी सही लिखा आपने, वेरी गुड। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में क्या यूज होता है? यही यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए जरा, एच पार्ट पे भी आपके आते हैं, पहले जरा ये देख लें। हाँ ओके ओके, पहले मैं चाहूंगा आप एच पार्ट रीड करें। आयोडीन, ओके ये अभी आया भी था राइट? तो इसका आंसर क्या है? आयोडीन। ठीक है, इसका सिंबल होता है कैपिटल आई। नेक्स्ट प्लीज। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, इट इज अ नॉन मेटल, वेरी राइट। कार्बन और इसके अलावा कोई आ रहा है फ्यूल आपके माइंड में? कोक तो कार्बन का ही फॉर्म है। इसके कार्बन होता है काफी जगह, कार्बन के ही हैं ये चारकोल वगैरह। ठीक है, तो अभी तो हम यही छोड़ देते हैं। चलिए आंसर नॉन मेटल एज अ फ्यूल, और भी देखना पड़ेगा ना हमें वो सेफर फ्यूल है या नहीं है। ठीक है, कार्बन ही सही है इसका आंसर। नेक्स्ट के पार्ट। नाइट्रोजन, नो 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 नेवर। देखो तो कुछ भी ले लो मेटल, जैसे कि पोटेशियम ले लो। पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो गैस इवॉल्व होगी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, एक ऐसा मेटल जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन नहीं रिएक्ट करेगा? सिल्वर, गोल्ड,
ठीक है, और वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लो सिल्वर और गोल्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एम पार्ट प्लीज। ड्रिंकिंग वाटर क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन विद सिंबल Cl, पर क्लोरीन एक गैस भी होती है और टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, ठीक है, Cl2। नेक्स्ट फिलिप्स पढ़िए फटाफट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, सही है बिल्कुल, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सही है, अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं यू नो बैड ही कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट फास्फोरस इज अ वेरी मेटालिक नॉन मेटल। मेटलिक ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी नॉन मेटल मेटलिक नहीं होता, ठीक है। तो फास्फोरस एक नॉन मेटल एटमिक नंबर है इसका 15, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये रिएक्टिव आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो आपने मेटलिक बोला था उसकी जगह आपको रिएक्टिव लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, बिल्कुल सही है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके ऊपर आता है, ठीक है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नेक्स्ट सल्फर, वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, पर यू नो सल्फर एक नॉन मेटलिक लिखना है यहाँ पर, सल्फर फॉर्म मतलब नॉन मेटलिक नहीं, सल्फर फॉर्म एसिडिक लिखना है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और इधर लिखना है मैग्नीशियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। और अगर आपको इसकी रिएक्शन जाननी है तो देखो S+O2 प्लीज लिख लीजिए साइड में, S+O2 क्या बनाएगा, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है और इसका नेचर क्या है, एसिडिक। और Mg की बात करें, Mg+O2 ये MgO बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का वैलेंसी जो है वो 2 ही है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक बेसिक ऑक्साइड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड वाला ट्रू फॉल्स पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन। फॉल्स है, कई लिक्विड भी होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी। नेक्स्ट कोल, कोल, हाउ कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोल इज कोयला, यू कांट ड्रॉ इट इनटू कॉपर की वायर्स बना सकते हैं, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, और वैसे भी कॉपर कोल जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, मतलब कार्बन का फॉर्म है इसी वजह से। नेक्स्ट ये भी फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नहीं रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाला भी सही कर लीजिए, फॉल्स है। नेक्स्ट सोडियम एक काफी रिएक्टिव मेटल है, ये बिल्कुल सही लिखा आपने, ट्रू। नेक्स्ट कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये बिल्कुल बढ़िया लिखा है, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, लिख लीजिए साइड में, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव आएगा जिंक की बजाय, ठीक है, इस वजह से ये फॉल्स है। नेक्स्ट प्लीज, रस्ट, चलो इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं होती क्या है, तो पता लग जाएगा ये क्या है क्या नहीं। रस्ट, रस्ट होता है जब आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और यू नो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। आप प्लीज यहां से देख के साथ साथ लिखते रहिए, बोर्ड से देख के उतारना आपका काम है, ये बनेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या नाम है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और आम भाषा में इसे रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि ये रस्ट जो बनी है कि क्या ये एसिडिक है या
बेसिक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रस जो है केमिकली यही है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, बेसिक होगा, तभी ये ट्रू है, ये आपका सही है। नेक्स्ट जी पार्ट। जी अच्छा ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि मेटल रिएक्ट करते हैं, समझ रहे हो, नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते वाटर के साथ। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या किया, ये कॉलम यू नो मिलाए हैं, चलो देखते हैं। ए पार्ट जो आपका गोल्ड है, ये गोल्ड के साथ क्या लिखा है, ऐसे जिगजैग बनाने के बाद आ जाए या लिख देते, गोल्ड गोल्ड के साथ ज्वेलरी ज्वेलरी, राइट। तो ए के साथ आपने फोर्थ लिखा है ज्वेलरी, ओके। आयरन के साथ, मशीनरी आयरन के साथ मशीनरी, करेक्ट। एल्यूमिनियम के साथ रैपिंग फूड, फूड करेक्ट। थर्ड पार्ट कार्बन के कार्बन साथ, फ्यूल कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, सिक्स। गुड, कॉपर कॉपर इज विद इलेक्ट्रिक वायर्स सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक। एंड व्हाट अबाउट मर्करी, थर्मोमीटर थर्मोमीटर, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है, सारे पार्ट इसके सही हैं। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, आप साथ साथ रीड करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आंसर भी पढ़ेंगे, फिर मैं उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर बुक में अरे सर पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़िए, डिफाइन मैल्युएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। बताइए मेलिबिलिटी क्या होती है। मैल्युएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच अलाउज इट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वेरी गुड, तो आयरन मेलेबल है, ठीक है ना, आयरन की शीट्स हमने बहुत ज्यादा देखी है। और डक्टिलिटी बताइए। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन सॉरी ऑफ मेटल्स व्हिच अलाउज इट टू बी मेड इनटू थिन वायर्स। ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वैसे सबसे ज्यादा डक्टाइल तो सिल्वर और गोल्ड होते हैं, ठीक है, पर फिर भी आपने सबसे ज्यादा वायरिंग जो है वो कॉपर की देखी होगी, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है। बी पार्ट पढ़िए। Which of the following can be beaten into thin sheets? Why? Can be beaten into thin sheets? Zinc. Why zinc? It's a metal. इट्स It अ has a मेटल, property. वेरी गुड, ओनली मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन प्लीज। There are two boxes, one made out of metal and the other made out of wood, which are similar in appearance. How will you find out which box is made of metal? ओके, देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ यू कैन जज इट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ओके, बट आई विल यूज वन प्रॉपर्टी हियर, सोनोरिटी, ठीक है। इफ आई विल हिट इट विद अ पर्टिकुलर विद अ ऑब्जेक्ट विद अ मेटल, देन अ साउंड इज प्रोड्यूस, बट इन केस ऑफ वुड साउंड इज प्रोड्यूस, दैट साउंड वुड बी डल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन जज विच वन इज अ मेटल ब्लॉक एंड विच वन इज अ वुड वुड ब्लॉक, ठीक है। वुड इज अ काइंड ऑफ मैटर, राइट, इट इज डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, थर्ड वन। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैलेबल एंड डक्टाइल एंड ब्रिटल। ओके, गोल्ड और सिल्वर है, अच्छा मेलेबल और डक्टाइल बताओ इसमें से कौन है। एक तो कॉपर हो सकता है, गोल्ड इज AU और सिल्वर इज AG, पता है ना आपको, ठीक है, ये हो सकते हैं। और ब्रिटल, ब्रिटल इज वन विच कैन बी ब्रोकन इजिली, सल्फर ब्रिटल है, कार्बन ब्रिटल, हाँ, अधिकतर नॉन मेटल जो हैं वो ब्रिटल ही होते हैं, ठीक है, कार्बन और फास्फोरस ब्रिटल की कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। ओके, वन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू प्लीज रीड इट। बोलो। वेरी गुड, प्लास्टिक इज अ गुड इंसुलेटर, प्लीज अपनी, अगर आपने लिखा हुआ है तो बढ़िया है, अदरवाइज यू कैन राइट इट, इंसुलेटर, एज इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उसे,
इसी वजह से यूज होता है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ प्लीज. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ प्लीज. व्हाट इज द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ ऑक्साइड है मैग्नीशियम, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्योंकि मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये नॉन मेटल का बना हुआ ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक होगा. ठीक है, आपको अगर इसकी रिएक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, इसकी हो जाएगी S+O2, लिख लीजिए कहीं, गिव्स SO2, ये एक गैस है और ये मैंने पहले भी बताया था Mg+O2 विल गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक मेटल का ऑक्साइड. लिख लो, फिर से लिख लो, बार बार लिखते रहो. द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू विल राइट तभी आपको लर्न होंगी. साथ साथ लिखते रहिए, मैंने कितनी बार बोला है, मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर PDF में एडिटिंग कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, तभी आप मेरी स्पीड के साथ टैली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लीज. क्योंकि नॉन मेटल ही यू नो ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन प्लीज. थोड़ा सा जोर से पढ़िए और जल्दी जल्दी पढ़िए. When a copper object is exposed to moist air for a long time and a green coating is formed on its surface, what is the material of the green coating? Say whether the green coating is acidic or basic. देखिए, कॉपर अगर कॉन्टैक्ट में आता है, प्लीज इक्वेशन लिखिए साथ साथ, ऑक्सीजन के और वाटर के, तो ये या तो एक मिक्सचर बनाता है, या तो वो मिक्सचर कॉपर कार्बोनेट का हो सकता है. लिखिए, कॉपर कार्बोनेट का हो सकता है, या वो मिक्सचर, मतलब मिक्सचर है ना इसी वजह से, या वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का हो सकता है. इसी वजह से कॉपर में जो कलर होता है ना रस्ट का, वो ग्रीन होता है. राइट, तो इसका मटेरियल इन्होंने पूछा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर, रोमन में ऐसे टू लिखिए, कॉपर टू हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और आपने अगर कॉपी में इनके आंसर लिखे हैं तो वहीं पे आप एडिटिंग कर सकते हैं. अब ये बताना है कि सेकंड पार्ट पढ़िए. क्योंकि ये मेटल का है तो ये पक्का ये बेसिक होना चाहिए. राइट, कॉपर मेटल है इसी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. एट. हाउ डू मेटल्स रिएक्ट टू डाइल्यूट आफ्टर एसिड? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहा हूँ, डाइल्यूट एसिड में इस बार मैं H2SO4 ले रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड. मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, MgSO4. और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ठीक है, आप चाहो तो और एग्जांपल भी ले सकते हो. ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर इवॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन प्लीज. राइट अ वर्ड रिएक्ट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस हियर. देखो, यहाँ पर जिंक हमारा सॉलिड है और जिंक की हमें रिएक्शन किससे करानी है? कॉपर सल्फेट के साथ करानी है, जो कि एक्वस है. और जिंक क्या दिया हुआ है? ज्यादा रेट. आप लिख नहीं रहे हो आंसर. बेटा, हम इस पे आ गए हैं, नाइन्थ पे, वेक अप, ऊपर नहीं बैठे हुए हैं. और नाइन्थ का आंसर नाइन्थ के सामने लिखोगे कि ऊपर लिखोगे, ये बताओ गनीम. नाइन्थ का आंसर कहाँ लिखोगे? नाइन्थ के सामने ही लिखोगे ना, कि ऊपर सिक्स के सामने लिख दोगे? अभी आपने जो नहीं लिखे होंगे एंड में इसी पीडीएफ से मैं आपको लिखवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, जो आपके रह जाएंगे. फिलहाल ZN+CuSO4 क्या बनेगा?
जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। और इस टाइप की रिएक्शन को कहते क्या है, इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप चाहो तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्हें कहते हैं, और आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो इन्हें, ठीक है। और अगर वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहो आप इन्हें, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिंक, या नीचे लिखोगे कॉपर सल्फेट, इट गिव्स यू जिंक सल्फेट, और यहां पर आप लिखोगे कॉपर। गनीव, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10th, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। देखो लेमन, लेमन पिकल मतलब ये जो अचार होता है लेमन का, ये एसिडिक होता है, ठीक है, और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एंड प्लीज राइट इट, इट विल टर्न इनटू पॉइजनस सॉल्ट्स, इट विल टर्न इनटू पॉइजनस सॉल्ट एंड विल कॉज फूड पॉइजनिंग। पूरा आंसर लिखिए, इट विल टर्न इनटू पॉइजनस सॉल्ट एंड विल कॉज फूड पॉइजनिंग, कॉज करेगा, अगर आप ऐसा खाएंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। हैव यू रिटन दिस आंसर? बताइए। नहीं, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली कंबस्टिबल, हाईली रिएक्टिव एंड कंबस्टिबल, तो दे विल कैच फायर वेरी इजिली। मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वे एयर के कांटेक्ट में आके मॉइस्चर के साथ भी कनेक्ट करके फायर कॉज करते हैं, इसी वजह से उन्हें कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में डिप करके रखा जाता है। नेक्स्ट बी पार्ट, बताइए व्हाई कॉपर, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर, ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर, क्योंकि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ड्रॉ किए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन प्लीज। बताइए, ड्यू टू सोनरिटी प्रॉपर्टी, एक वर्ड में आंसर बताइए। सोनरस, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर उन्हें हिट किया जाता है तो। नेक्स्ट, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, राइट, फॉस्फोरस इज एक नॉन मेटल, एक सेकंड रुकिए, और इनका क्वेश्चन है कि इसे वाटर में रखा जाता है, ऐसा इसलिए होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव, प्लीज लिख लीजिए, आपने नहीं लिखा होगा, इट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बट इट डजंट रिएक्ट विद वाटर, डजंट रिएक्ट विद वाटर, के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट इमीडिएटली कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, इट, पूरा लिखिए प्रॉपर, इट इमीडिएटली कैचेस फायर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, तो इस वजह से इसे यू नो अंडर वाटर रखा जाता है। 13 क्वेश्चन प्लीज, इधर आके पढ़िए तभी आवाज आपकी इसमें आएगी। आपको यूज बताना है आयरन का, ठीक है, आयरन तो काफी मेलेबल है, इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, कॉपर इट इज, ये इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में या इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम आपको पता ही है, प्लेन्स में या एल्यूमिनियम फॉइल में यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक गैल्वनाइजेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। और मर्करी किसमें यूज होता है? थर्मोमीटर में, ठीक है। अच्छा, लास्ट में नेक्स्ट नॉन मेटल के यूज है, मैं ही बता देता हूँ। ऑक्सीजन, ये तो आपको पता है, ब्रीदिंग पर्पजेस, वेल्डिंग के लिए भी यूज होती है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाईली कंबस्टेबल होती है, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो, ये तो एक नॉन रिएक्टिव वो है, तो ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। दिखाओ कहाँ लिखे हैं कॉपी में, उठाइए। सल्फर, सल्फर की बात करें, ब्रिटल होता है नेचर में, और ये आप अपना पीछे से पढ़ सकते हैं ना, सल्फर का यू, क्लोरीन का तो मुझे याद है एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। आयोडीन का बताइए, आयोडीन का यूज, आयोडीन इज यूज्ड इन नॉन मेटल व्हिच पर्पल कलर सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन कट्स एंड वुंड्स एंड एंटीसेप्टिक। हां, एज एन एंटीसेप्टिक, आल्सो यूज्ड इन एंटीसेप्टिक। और सल्फर का बताइए, सल्फर बहुत, सल्फर इज अ नॉन मेटल व्हिच इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। यस, याद रखिएगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, लॉन्ग आंसर। यस, व्हाट आर मेटल्स, नेम फाइव मेटल्स। फाइव मेटल्स तो वैसे भी आयरन है, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर एंड कोई भी एलिमेंट जो मेलेबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, वो मेटल होता है, उसमें आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ऐसे नॉन मेटल क्या होते हैं, जो नॉन मेलेबल हो, नॉन डक्टाइल हो, नॉन सोनरस हो, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है, और फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, ए पार्ट। तो आप बता सकते हैं मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर द